तो दोस्तों आज मैंने 7-Eleven विज़िट किया था, तो ये CSMT स्टेशन मुंबई फोर्ट एरिया में है, तो CSMT स्टेशन के पास में ही है। तो यहाँ पे मैं इनका वेज मेन्यू एक्सप्लोर करने आया था, तो मुझे जो जो चीज़ें अच्छी लगी मैंने वेज मेन्यू में वो सब ऑर्डर कर दी थी। तो हम अभी इसका बिलिंग कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आपको ना इसका टूर देता हूँ कि क्या है। यहाँ पर देख सकते जो स्मार्ट बाज़ार रहता है ना, डीमार्ट या कैसा वैसा ही स्टोर है ये, मुझे कुछ अलग नहीं लगा, या कोरियन स्टोर जैसा ऐसा कुछ नहीं, और खाली बियर वाइन का एक एरिया इन्होंने अलग से बनाया। तो ये हमारा ऑर्डर आ चुका है। तो मैंने यहाँ पे वड़ा पाव लिया था, समोसा लिया था, मसाला रिंगर्स लिए थे, ये कुछ वड़ा पाव ऐसा दिखता है, और एक मैंने ब्लैक करंट कोल्ड ड्रिंक्स लिया था, और एक पनीर मखनी रोल भी लिया था मैंने। तो हम एक एक करके ट्राई करेंगे। तो मसाला रिंगर्स मुझे बहुत ही बढ़िया लगे थे यहाँ पे, मुझे अगर कुछ पसंद आया होता तो ये मसाला रिंगर्स ही पसंद आए थे यहाँ पे। फिर हम अभी ट्राई कर रहे हैं ये समोसा। तो ये समोसा तो मैं पहले ही बोलता हूँ कि ये पूरा मेनू ही मेरे ख्याल से पूरा बासी था, उन्होंने मेरे को ओवन करके ये पूरा मेनू दिया था। तो ये समोसा तो मुझे ज़ीरो के बराबर भी नहीं था, तो मैं इसे रेट ही नहीं करना चाहूँगा, बिल्कुल ही घटिया था ये समोसा। वड़ा पाव तो थोड़ा ठीक ठाक था, बट समोसा पूरा कड़क सा हुआ था और बहुत ही बासी था। अभी ये पनीर मखनी रोल, तो पनीर मखनी रोल मुझे कम वो ऐसा लग रहा था जैसे मैं चिल्ली पनीर को रोटी के साथ खा रहा हूँ रोल करके, इसका भी पनीर मखनी वाला जैसा कुछ टेस्ट नहीं आ रहा था, मुझे जैसा लग रहा था पनीर चिल्ली मैंने रोटी में डाल के खा रहा हूँ, तो मुझे ये भी पसंद नहीं आया। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप कभी 7-Eleven विजिट किए तो इनका इन हाउस फूड जो बनता है वो बिल्कुल ही आप ट्राई मत कीजिए। जो इनका पैकेट फूड है जो रेडी टू ईट होता है या जो आप रेडी कर सकते हैं वही फूड आप यूज़ ले सकते हैं यहाँ से, बाकी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा इनका इन हाउस फूड को जो बनता है वो मत लीजिए। तो मैं इस पनीर रोल को रेट करना चाहूँगा 7 out of 10। मैंने सॉस के साथ भी ट्राई किया, केचप के साथ, बट वो भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। तो मैं वड़ा पाव को रेट करूँगा 7 out of 10। मुझे वड़ा पाव तो थोड़ा ठीक ठाक लगा था यहाँ का, तो मैं इसे रेट करूँगा 7 out of 10। अभी मैं समोसा को तो रेट करना ही नहीं चाहूँगा, ज़ीरो भी नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि ये पूरा ना बासी बासी था, इन्होंने खाली मुझे ना ओवन करके दिया था, इस वजह से इतना कड़क हो गया था ना कि टेस्ट ही उसका ब्लेंड आ रहा था। मैंने बहुत बार खा के भी देखा बट इतना अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगा मुझे ये, तो मैं इसे रेट ही नहीं करना चाहूँगा। और रिंगर्स को मैं रेट करूँगा 8 out of 10, बिकॉज मुझे रिंगर्स यहाँ पे बहुत पसंद आए, बहुत बढ़िया थे। मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ये ओनियन रिंगर्स खाए थे, ये ब्लैक करंट इनका था, कोल्ड ड्रिंक था, तो ये भी मुझे अच्छा लगा, तो मैं इसे रेट करूँगा 9 out of 10। ये इनका बढ़िया था कोल्ड ड्रिंक्स। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर।